यहाँ एक क्वेश्चन है, एक क्लोज्ड फ्लास्क कंटेन्स वाटर। एक क्लोज्ड फ्लास्क में क्या है? पानी है इन ऑल इट्स थ्री स्टेट्स, जो कि वाटर किस में है? अपनी तीनों फेसेस में है, यानी सॉलिड लिक्विड एंड वेपर, यानी आइस और जो है लिक्विड फॉर्म में वाटर और वेपर फॉर्म में, ठीक है, एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि कितने टेम्परेचर पर है? 0 डिग्री पर है। इन दिस सिचुएशन द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स विल बी, ठीक है। तो हम जानते हैं कि हमारा वाटर मॉलिक्यूल में जो आइस फेज होती है, सॉलिड फेज होती है, उसमें H2O मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? एक दूसरे से टच रहते हैं, ठीक है, ऐसे अरेंज रहते हैं कि एक दूसरे से बिल्कुल टच रहते हैं, यानी इनकी वेलोसिटी लगभग नेग्लिजिबल होती है, ठीक है। ये यानी इस कंडीशन में ये क्या कर सकते हैं? ये मोशन नहीं कर सकते। और हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी मोशन से रिलेटेड होती है। वाटर फेज में हम जानते हैं कि जो हमारे वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, H2 मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो क्या होते हैं? थोड़े दूर दूर होते हैं, ठीक है ना, थोड़े दूर दूर होते हैं। तो ये क्या कर सकते हैं? मोशन कर सकते हैं, यानी हमारे सॉलिड में ये मोशन नहीं कर सकते। और लिक्विड फॉर्म में क्या होते हैं? इनके बीच इंटर मॉलिकुलर फोर्स कम होता है सॉलिड के कंपेरिजन में। तो ये क्या कर सकते हैं? थोड़ा मोशन कर सकते हैं, यानी इसमें जो है काइनेटिक एनर्जी जो होती है ये बढ़ जाती है, ठीक है। और हम जानते हैं हमारी जो गैस फेज होती है, इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स बहुत दूर होते हैं, और ये में इनमें क्या होता है? जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स होता है, ठीक है ना, वो नेग्लिजिबल होता है। ये रेंडम कहीं पर भी आ जा सकते हैं। यानी अगर हम बात करें काइनेटिक एनर्जी की, जो कि मोशन से रिलेटेड है, तो इसका मतलब जो गैस फेज है, यानी वेपर फेज है जो वाटर मॉलिक्यूल की, इसके लिए जो है एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? सबसे ज़्यादा होगी, यानी ग्रेटेस्ट होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ग्रेटेस्ट इन वेपर स्टेट, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।